अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जहाँज़ेब अहमद ख़ान और आज का व्लॉग जो है वो है कराची के लिए। कराची एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे लेने आ गए हैं और हम लोग रास्ते में आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मैं जगह दिखाऊंगा कि एक लाहौर का बंदा जब कराची आता है तो कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करता है। सो द व्लॉग वुड से अ डे इन कराची, ठीक है। अच्छा जी, ये हम आए हुए हैं गफार कबाब हाउस। और ये है जी मगज़ नली के साथ निहारी, कराची की पहली निहारी जो मैं खाने लगा हूँ। फेमस निहारी। और ये हैं महमूद ख़ान बाबर। महमूद ख़ान बाबर फ्रॉम क्वेटा इन कराची। और ये हैं जी हमारे बाकी दोस्त। सर ज़रा कैमरे में देख के हाथ हिला दें। थैंक यू। तो अब हम जा रहे हैं इस वक्त जाहिद की निहारी खाने, ठीक है जी। तो हम तारिक रोड जा रहे हैं जाहिद की निहारी खाने, जो यहाँ की मोस्ट पॉपुलर निहारी है। तो आइए चलते हैं। सर ये तारिक रोड आ गई। नो, ये कौन सी रोड है? ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जी, ठीक हो गया। हम अब आपको तारिक रोड पहुँच के मिलेंगे। ले जी, हम तारिक रोड पहुँच गए और तारिक रोड पे जो जाहिद निहारी है, क्यों सर ये लाहौर की मोस्ट फेमस निहारी है? कराची की मोस्ट फेमस निहारी। ओ सॉरी, मैं लाहौर कह रहा हूँ, मैं अभी भी लाहौर में घूम रहा हूँ, माय बैड। कराची की मोस्ट फेमस निहारी जाहिद निहारी, हम आपको अंदर चल के मिलते हैं। ले जी हमारी निहारी आ गई है। ये है जी आपकी जाहिद की निहारी विद शीरमाल एंड गर्मा गर्म खमीरी रोटी, जिसको हम लाहौर में कहते हैं और यहाँ नान कहते हैं। निहारी कर रहे हैं ख़त्म और ये आखिरी कंपोस्ट बाई हम बना के ये ट्रिप कर रही है। हम अच्छा जी, ये जो आप अब देख रहे हैं ना कैमरा में, ये है एम्प्रेस मार्केट की मशहूर बिल्डिंग, जो किसी ज़माने में ये मार्केट हुआ करती थी सारी। सो दिस इज़ एम्प्रेस मार्केट और हम इस वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं। कराची की बड़ी मशहूर मार्केट है, सदर बाज़ार है ये। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं सिल्वर स्पून स्नैक्स। ये वो जगह है जहाँ से असल में रोल पराठे का स्टार्ट हुआ है। रोल पराठा जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चलता है वो यहाँ से आया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और आज हम इनका बिहारी और या बीफ के जो रोल है ना, पराठा रोल, वो हम यहाँ से ट्राई करेंगे। तो हम जाहिद निहारी से सीधे आ गए हैं सिल्वर स्पून, द ओरिजिन ऑफ रोल पराठा। रोल आ गया है और ये है वो रोल जो ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था पराठा रोल के नाम पे। और दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, जो पराठा रोल की जो हम आज शक्ल देखते हैं वो है जिसमें बीफ टिक्का है और इट्स रैप्ड विद रोटी, जिसको आप रोटी में ले लें या पराठे में ले लें। जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये रोटी में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में मंगवाया है टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा लगता है। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये है कैसा। इसके थोड़ा सा मैं रैपिंग करता हूँ। ये है जी इसके साथ चटनी। लेट्स हैव इट। कि ये एक बिल्कुल सॉफ्ट रोटी है, आप ये देखें, ये इस तरह से उतर जाती है।
सो इसमें बड़ी सॉफ्ट रोटी का इस्तेमाल है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं नली बिरयानी खाने, और एक अदर दोस्त है हमारे साथ जिनको हमने पिक किया है। ये देखें सर, आधे लाते प्लीज। हेलो, कैसे हैं आप लोग? खैर से, ठीक ठाक है। अभी जो क्वेटा का व्लॉग आएगा ना, उसमें भी आप इनको देखेंगे, क्योंकि क्वेटा जो है कि हमें दिखाएंगे वहाँ के जो फूड है वहाँ का, ये है जो हमें वहाँ होस्ट करेंगे, और ये है जो हमें वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, और ये भाई भी हमें इंशाल्लाह क्वेटा में मिलेंगे। सो मैं कराची एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्वेटा ईट्स के साथ। सो अब हम जा रहे हैं नली बिरयानी खाने। वी आर डन विद जाहिद की निहारी, जैसे मैंने पहले बताया, पाइनियर्स ऑफ रोल पराठा, और अब नली बिरयानी जो मेरी बकेट लिस्ट पे बड़े अरसे से थी। सो आपको वहाँ मिलते हैं। अच्छा जी दोस्तों, ये है कराची की फेमस शाराए फैसल, और हम लोग जा रहे हैं नली बिरयानी खाने। बहुत सुना हुआ था मैंने नली बिरयानी का, और हमने एक दोस्त को पिक किया रास्ते में से, और अब हम जा रहे हैं नली बिरयानी खाने। वी आर डन विद जाहिद की निहारी, वी आर डन विद द पाइनियर्स ऑफ शवारमा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू नली बिरयानी। और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो यहाँ की कोई ईटरीज या कोई मशहूर चीज़ अगर हुई तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ओवर एंड आउट, थैंक यू। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं फेमस नली बिरयानी की जगह पे। ये है जी कादरी नली बिरयानी, और ये है यहाँ गौसिया। यहाँ सारे ही बुला रहे होते हैं, और हमने कादरी का नाम बड़ा सुना है, तो लेट्स सी। ये है जी लियाकताबाद का इलाका और फेमस नली बिरयानी। हम फिर इधर कादरी के पास चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमारे जो दोस्त हैं उनको हम ढूंढते हैं। ये है जी बिरयानी हाउस, और हमारे दोस्त किधर हैं? चलो वो हमें मिल जाएंगे। वो रहे जी, वो फिर रहे हैं। ये हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे नली निकालने लगे हैं भाईजान। यह कैमरे की तरफ फिर नहीं आना चाहिए ना। ये देखें जी, ये नली निकल रही है, बड़ी बेहतरीन। अभी हमने मंगवाया है नली पुलाव, और इसके बाद हम मंगवाएंगे नली बिरयानी। ये इसने जनाब, ये जो क्रीमी इफेक्ट है ना, ये देगा। अच्छा जी, मज़े की बात ये है कि हमें फाइनली कराची के अंदर कोक मिल गई है। यहाँ आपको कोक नहीं मिलती, यहाँ आपको पेप्सी मिलती है। सो वी हैव गॉट द कोक नाउ। तो काम ऑन है, सीन ऑन है भाइयों का। ये देखें, ये भाई तो बहुत फुल फोकस्ड है। नली बिरयानी जिसके लिए हम स्पेशली लाहौर से आए हैं, इट वॉज ऑन माई बकेट लिस्ट, दिस नली बिरयानी। अब ये नली निकालेंगे भाईजान, और हम आपको उसको फिल्मा के दिखाएंगे। वाह 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 वाह। नली का काफ़ी जोर इन भाईजान की तरफ आ गया है। पिछली दफ़ा मुझे नहीं मिली। हम और नली भी मंगवा सकते हैं अगर आप। थैंक यू। ओके जी, नहीं जी, हम आपको एक बाइट बना के दिखा रहे हैं इसकी। ये है निवाला इसकी बूटी, और ये ली मैंने नली। अच्छा जी, ये यहाँ के ओनर हैं। आपका नाम? जहाजेब। ये और हम नाम है जहाजेब। जहाजेब, और यहाँ से मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री लेके जा रहा हूँ। ऑल थैंक्स टू हिम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो पीपल, अब हमारा सफ़र जो है वो वापसी की तरफ शुरू हो गया है। मैं आपको अभी थोड़ी देर तक दिखाऊंगा कि हम लोग शाराए फैसल पे हैं, और यहाँ से हम अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम हैं शाराए फैसल के ऊपर, हमने नली बिरयानी खा ली है, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। आज का व्लॉग था कराची के खानों के ऊपर,
जो मेन मशहूर खाने थे वो हमने एक्सप्लोर किए हैं। अब हम जा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो यहाँ की सियाही प्लेसेस, जिसमें जब भी कोई आउटसाइडर आता है वो बीच पे जाता है, सी व्यू पे जाता है, और यहाँ की जो रिक्रिएशनल प्लेसेस हैं उनके ऊपर हम ब्लॉग बनाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, वहाँ से ऑनवर्ड्स आपको दिखाएंगे। थैंक यू लेडी। कराची का यहाँ हमारा सफ़र ख़त्म होता है, अ होल डे इन कराची, हैविंग कराची फूड एंड इन्जॉइंग द वेदर। हवा चल रही है, बड़ा मज़े का मौसम हुआ है, और अब मैं यहाँ से जाने लगा हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह हम लोग रिक्रिएशनल प्लेसेस ऑफ कराची विज़िट करेंगे, जिसमें समंदर होगा सर फहरिस्त। आज टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि फ़्लाइट डेढ़ घंटा पहले हो गई तो टाइम की वजह से, इस वजह से हम समंदर नहीं कर सके कवर, बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी डू इट इन अ मच बेटर वेदर। और थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। ये ब्लॉग जल्द से जल्द आ रहा है आप लोगों के पास। थैंक यू।